रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पेज नंबर 14, जानवरों से अच्छा बर्ताव। फ्रेंड्स, पेज नंबर 14 पे हमारे पास वर्ड्स मीनिंग है, वो हमने करने हैं। अल्फाज मायने, नए अल्फाज। कुआं, ज़मीन में पानी के लिए खोदा हुआ गहरा गढ़ा। शिद्दत, सख्ती, तकलीफ, ज़्यादती। बेताब, बेचैन, बेकरार। सलूक, बर्ताव, किसी से पेश आने का तरीका। सवाब, नेक काम का बदला जो अल्लाह की तरफ से मिले। नसीहत, भलाई की बात। इसी तरह स्टूडेंट्स, हमारे पास मरूजी सवालात हैं। दोस्त जवाब की दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए। आदमी को सफ़र के दौरान डैश नज़र आया। पहलवान, कुआं, बुज़ुर्ग, शायर। कुआं नज़र आया था तो हमने कुएं को भरना है, उसको फिल करना है और यहाँ पर लिखना है। इसी तरह नेक्स्ट वाला हमारे पास है, आदमी को डैश में सख्त प्यास लगी। घर में, बाग में, बाज़ार में, रस्ते में लगी थी तो हमने रस्ते को सर्कल बनाने और यहाँ पे लिखना है। इसी तरह हमारे पास थर्ड वाला, आदमी डैश में पानी भर कर लाया और कुत्ते को पिलाया। प्याले, टोपी, मोज़े या कटोरे। मोज़े में लाया था तो मोज़े को हमने ऐसे कलर करना है, फिल करना है और यहाँ पे लिखना है। इसी तरह हमारे पास है, जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने पर हमें भी डैश मिलेगा। तमगा, सवाब, सज़ा या गुनाह। तो हमें सवाब मिलेगा तो हमने सवाब के ऊपर टिक इस तरह सर्कल बनाने हैं और यहाँ पे इसको लिखना है। इस तरह स्टूडेंट्स, पेज नंबर 15 हमारे पास है। यहाँ पर लिखा हुआ है, जुमलों में दिए गए अल्फाज की जमा लिखिए। तो ये हमारे सामने बताए हुए हैं अल्फाज, तो यहाँ पे हमने इनके अंदर जमा लिखनी है। पहले ज़माने में लोग डैश पर सफ़र करते थे। यहाँ पर ऊँट है तो हमने ऊँट की जमा लिखनी है, ऊँटों। इसी तरह हमारे पास डैश दिया हुआ है, के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए जानवर, तो हमने इसकी जगह जानवरों लिखना है। इसी तरह हमारे पास है, भाई दिया हुआ तो हमने तीनों भाइयों लिखना है, भाइयों ने मिलजुल कर माँ बाप की खिदमत की। बैल दिया हुआ तो बैल की जगह पे हम जमा लिखेंगे बैलों। घर दिया हुआ तो घरों। इसी तरह ये देखिए, किसान बहुत खूबसूरत बैलों की जोड़ी लाया। मोहल्ले के बहुत से घरों में कुर्बानी के जानवर आए। यह आपने इस तरह अपनी बुक के ऊपर सॉल्व करना है।